भीलवाड़ा लोकसभा सीट पर रोचक मुकाबला देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने यहां से नए चेहरे पर भरोसा जताया है। इसी सीट पर भाजपा से दामोदर अग्रवाल प्रत्याशी हैं, तो वहीं कांग्रेस ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी को टिकट दिया है। टेक्सटाइल सिटी के नाम से मशहूर भीलवाड़ा में लोकसभा चुनावों का शोर मचा हुआ है। यहां दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होगा। इस सीट पर भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। 21 लाख से ज्यादा मतदाता वाले इस लोकसभा क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति पर नजर डालें तो इसमें भीलवाड़ा जिले की 7 और बूंदी की 1 विधानसभा सीट शामिल है। भीलवाड़ा तेजी से बढ़ता हुआ राजस्थान का 7वां बड़ा शहर है। इसे अभरक नगरी और राजस्थान के मैनचेस्टर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ सबसे ज्यादा कपड़े की फैक्ट्रियां होने से सालाना करीब 20,000 करोड़ रुपए का कारोबार होता है। बात अब यहाँ के पर्यटन की करें तो हरनी महादेव मंदिर, चामुंडा माता मंदिर, मेनाल जलप्रपात और मेजा बांध प्रमुख पर्यटन स्थल है। इस चुनाव में भीलवाड़ा लोकसभा सीट पर समीकरणों को देखें तो भाजपा ने दामोदर अग्रवाल को और कांग्रेस ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी को अपना प्रत्याशी बनाया है। भाजपा ने यहां वर्तमान सांसद सुभाष बहेड़िया का टिकट काटकर नए चेहरे के तौर पर दामोदर अग्रवाल पर भरोसा जताया है। दामोदर अग्रवाल का ये पहला चुनाव है। इससे पहले वे भाजपा संगठन में काम कर चुके हैं। अग्रवाल इस चुनाव में भीलवाड़ा को हवाई सेवा से जोड़ने, रेल और सड़क का विस्तार करने, शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार सहित क्षेत्र का आधारभूत विकास का वादा कर लोगों से वोट मांग रहे हैं। कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, कैसी शिक्षा और चिकित्सा चाहिए, कैसा बिजली और पानी का समाधान चाहिए, और सबसे बड़ी बात कैसे रोजगार का सृजन हो सकता है, कैसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित कर सकते हैं, चाहे वो एयर कनेक्टिविटी हो, रोड कनेक्टिविटी हो, रेलवे कनेक्टिविटी हो, और चाहे उद्योगों का विकास। वहीं कांग्रेस ने इस सीट पर डॉक्टर सीपी जोशी से पहले दामोदर गुर्जर को अपना प्रत्याशी घोषित किया था। बाद में उन्हें राजसमंद सीट से प्रत्याशी बनाकर उनकी जगह पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी को उम्मीदवार बनाया। सीपी जोशी 2009 में भीलवाड़ा से सांसद रह चुके हैं। इस चुनाव में वे अपने पिछले कार्यकाल में भीलवाड़ा में चंबल परियोजना और हाईवे सहित किए गए अन्य कामों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं कि सबसे ज्यादा पोटेंशियल यहाँ पर आयरन का यहाँ पर है। हमने यहाँ पर सर्वे करवाया और यहाँ पर अच्छा कारखाना लग सके स्टील का। हमने गुलाबपुरा में ऑफिस भी खुलवा दिया गया था। क्या जरूरत नहीं पड़ती थी इस इलाके के नौजवान पीढ़ी के लोगों के लिए यहाँ पर स्टील का कारखाना लगता, लोगों को रोजगार के अवसर मिलते। भीलवाड़ा लोकसभा सीट पर 2019 में हुए चुनाव पर नजर डालें तो यहां भाजपा के सुभाष बहेड़िया ने कांग्रेस के रामपाल शर्मा को 6,12,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से हराया था। 2014 के चुनाव में भी बहेड़िया विजयी हुए थे। उन्होंने 1996 में अपना पहला लोकसभा चुनाव लड़ा था। इस दौरान उन्होंने मेवाड़ के महाराणा महेंद्र सिंह को पराजित किया था। अगर इस सीट पर 1952 से अब तक हुए 18 चुनावों के नतीजों को देखें तो यहां कांग्रेस का वर्चस्व रहा है। इस दौरान यहां कांग्रेस 10, भाजपा 4 और निर्दलीय व अन्य दल भी 4 बार जीते हैं। इस बीच 1964 में इंडिकेट और सिंडिकेट विवाद को लेकर तत्कालीन सांसद और शिक्षा मंत्री कालू लाल श्रीमाली के केंद्रीय मंत्री और लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने के कारण उपचुनाव भी हुआ था। इसमें कांग्रेस के शिवचरण माथुर ने स्वतंत्र पार्टी के नाथु सिंह को हराया था। अब इस लोकसभा क्षेत्र में मतदाताओं की स्थिति को देखें तो यहां कुल 21,36,979 मतदाता हैं। इनमें 10,84,740 पुरुष, 10,52,221 महिला और 18 थर्ड जेंडर मतदाता हैं। भीलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र में पिछले चुनाव में 65.49% मतदान हुआ था। इस बार और मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए निर्वाचन विभाग स्वीप कार्यक्रम के तहत कई गतिविधियां संचालित कर मतदाताओं को जागरूक कर रहा है। वहीं क्षेत्र में शांतिपूर्ण, निष्पक्ष
और भयमुक्त चुनाव के लिए पुलिस प्रशासन मुस्तैदी से जुटा हुआ है। खूब सारी रैलीज निकाली जा रही है, हस्ताक्षर अभियान कराए जा रहे हैं, पेरेंट टीचर मीट के अंदर संकल्प पत्र भरवाए जा रहे हैं, कॉलेजेस के अंदर बड़ी स्कूल्स में ईएलसी की गतिविधियां कराई जा रही है, शपथ कार्यक्रम कराए जा रहे हैं जगह जगह पर। फोर्सेज हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज जो मिली हुई हैं, फ्लैग मार्च कर रहे हैं, एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई चल रही है, डिफरेंट थाना क्षेत्र में हमारी मोबिलिटी बढ़ा दी गई है, पुलिस पेट्रोल बढ़ा दी गई है, मोबाइल पुलिस पार्टियां अपने इलाके में गश्त कर रही हैं, साथ ही इंटर स्टेट नाके और इंटर डिस्ट्रिक्ट नाके हमने स्थापित किए हैं जहां राउंड द क्लॉक चेकिंग चल रही है। इस चुनाव में अगर जनता के मुद्दों की बात की जाए तो यहां ग्रामीण इलाकों में चंबल का पानी, सिंचाई के लिए भीलवाड़ा को ईआरसीपी प्रोजेक्ट से जोड़ने, सैंडस्टोन, अभ्रक, ग्रेनाइट, फेल्सपार और सोडा के लिए नई खनन नीति बनाना प्रमुख मुद्दे हैं। इसके अलावा भीलवाड़ा में कपड़ा उद्योग के लिए सस्ती बिजली और टेक्सटाइल पार्क का निर्माण करवाना भी बड़े चुनावी मुद्दे बने हुए हैं। हर जगह सड़कें टूटी हुई है, आप देखेंगे टेक्सटाइल पार्क की जो सालों से मांग की जा रही है जनता द्वारा वो नहीं मिल पाया है, अंडर ब्रिज की मांग की जा रही है वो नहीं मिल पाया है, तो कॉलेज में कोई ऐसा विशेष प्रयास नहीं किया कि यूनिवर्सिटी बन पाए या शिक्षा के क्षेत्र में या रोजगार के क्षेत्र में ऐसा इन्होंने कोई विशेष कोई काम नहीं किया। जो सड़कें हैं, जो यातायात है वो मतलब प्रभावी रूप से कोई सुचारू रूप से लागू नहीं हो पाई है। अब देखना यह है कि भीलवाड़ा कांग्रेस के सीपी जोशी या बीजेपी से दामोदर अग्रवाल किसे जनता सबसे ज्यादा सहयोग देकर विजयी बनाती है। संजय लड्डा, दूरदर्शन समाचार, भीलवाड़ा।